तो अपनी यूट्यूब फैमिली को घूम जाओ, सामने पीछे जाके पीछे सामने जाओ, घूम के दिखा दो थोड़ा सा, घूम जाओ, लाइक करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, जगह भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको जी अपनी ज़िंदगी में हंसता और मुस्कुराता रखे और अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। इसी ने एक दुआ के साथ अपने व्लॉग करती हूँ जी आगाज़। तो आज जो है ना, हम बना रहे हैं जी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही चटखारेदार और ज़बरदस्त सी चटनी, जो आप खाएँगे बना के तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मज़ा आएगा। तो ये देखिएगा, रबील फातिमा ने सबसे पहले इधर रख दो ना, मामा बनाएगी ना, फिर आपको देगी, ठीक है? इधर रखो, रख दो। अच्छा जी, सबसे पहले मैं जो है ना डालती हूँ ये कुंडी डंडे में ही चटनी बनती है, इसके बगैर चटनी नहीं बनती। तो इसीलिए हम जो है ना इसके अंदर बना रही हैं, जिसको सरवटा भी कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, जितने मेरे प्यारे बहन भाई मेरे चैनल पे नए हैं, उन सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और अच्छे अच्छे कमेंट करने नहीं भूलिएगा। तो मैंने डाला है जी सबसे पहले इसके अंदर पुदीना, और उसके साथ ही डाल रही हूँ जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सब्ज़ धनिया। छोड़ दो, ये सब्ज मिर्चें, सब्ज धनिया और पुदीना जो है ना, इसको हम कूट लेती हैं पहले। जी तो माय यूट्यूब फैमिली, मैंने इसके अंदर सब्ज धनिया, पुदीना, सब्ज मिर्चें कूट के रख ली हैं। प्याज मैंने इस तरीके से स्लाइस में जो है ना वो इनको काट लिए है। लहसुन के मैंने 3 चब्बे लिए हैं। ये है जी मेरे पास एक छोटा सा टमाटर। अभी मैं इसको जो है ना हल्का सा जो है ना वो शैलो फ्राई करती हूँ, उसके बाद जो है ना मज़ीद इसकी चटनी में इसको मिक्स करके मज़ीद इसको पीसेंगे। तो सबसे पहले मैं करती हूँ जी इनको थोड़े से ऑयल के अंदर शैलो फ्राई जी। हल्का सा मैंने जो है ना, ये देखिएगा पैन में बिल्कुल थोड़ा सा जो है ना ऑयल डाला है। इसके अंदर मैं डालती हूँ जी प्याज और टमाटर। जब इसकी एक साइड जो है ना वो हल्की सी जो है ना वो साइड से जो है ना वो हल्का हल्का ब्राउन हो जाएगा, फिर हम इसकी साइड जो है वो चेंज करेंगे। ये देखेंगे लहसुन भी हमारा जो है ना एक साइड से हो चुका है, ये एक साइड से प्याज हो चुका है। ये हमने किया है जी इसकी साइडें चेंज, और दूसरी साइड से भी जो है ना ये हल्का सा इसका कलर जो है ना वो चेंज हो जाएगा, फिर हम इसको उतारेंगे कि जी नीचे जी। तो प्याज, लहसुन और जो टमाटर है ना हमारा रेडी हो चुका है। हम इसको डालते हैं जब ये जाके पुदीने और कुटी हुई सब्ज मिर्च और धनिए के अंदर। जी तो माय यूट्यूब फैमिली, ये देखिएगा मैंने जो है ना प्याज, लहसुन और जो टमाटर किया था, इसको मैंने जो है ना ऑयल के अंदर फ्राई करना का सीधा एक ही मकसद है कि जो कच्चियान होती है ना, कच्चा पान टमाटर का, प्याज का और लहसुन का, वो कईयों को पसंद नहीं होता, तो इसकी वजह से वो जो है ना वो कईयों को अच्छा नहीं लगता। तो जिसकी वजह से आप अगर इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार आपकी जो है चटनी तैयार हो जाएगी, और टेस्ट भी उसका नहायत ही बेहतरीन और बहुत ही मज़ेदार आएगा। और नमक इसमें पहले से नहीं डालते, इस वजह से क्योंकि नमक पहले से डालने से जो है ना वो एक तो धनिया और जो पुदीना होता है ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वो पानी छोड़ते हैं, जिसकी वजह से भी फिर वो जो है ना छींटे पड़ते हैं।
तो नमक जो है ना हंसते जरूर है इसके अंदर डालेंगे। यकीन जाने कि ये कितनी ही मज़ेदार बनती है, टेस्ट इसका बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और इसको मज़ीद जो है ना वो चटकारेदार बनाने के लिए, जायकेदार और तुर्श करने के लिए हम इसके अंदर डालेंगे जी लीमू का रस। अच्छा जी, ये है जी मेरे पास लीमू का रस, और तकरीबन मैंने 1 से 1.5 जो लीमू है ना वो इसके अंदर निचोड़े। तो इसके अंदर इस तरीके से हम इसको मिक्स करेंगे। मज़ेदार चटपटी चटखारेदार बहुत ही यम्मी वाली टेस्टी वाली चटनी हो गई है जी तैयार। आप ख़ुद भी खा सकते हैं, अपने वालदेन को बना के दें, बहुत ही उनको अच्छा लगेगा, वो खुश हो जाएंगे। आप दोपहर को खाएं, शाम को खाएं, जब आपका दिल चाहे आप इसको ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत अच्छा लगेगा। जी तो माय यूट्यूब फैमिली, बहुत ही मज़ेदार चटनी जो है ना तैयार हो चुकी है। पराठे घर के साथ खा सकती हैं, गरम गरम चपाती के साथ खा सकती हैं, दोपहर को खाएं, शाम को खाएं, किसी भी खाने के साथ आप जो है ना ख़ुद भी ट्राई करें, अपने बड़ों को दें, इंशाल्लाह ताला उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी, पसंद आएगी और आपको बहुत दुआएँ देंगे। तो प्लीज़ मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, ये ट्राई ज़रूर करेगा, इंशाल्लाह ताला आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अच्छी अच्छी कमेंट करना नहीं भूलेगा। आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ सपोर्ट करिएगा जी। आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। मिलते हैं कि नई वीडियो नए भी लोग के साथ। अब तक लिए मुझे दीजिए इजाज़त जी। अल्लाह हाफिज़।